कि 13 नंबर, यहाँ भी हमें साबित करना है। मैं इसका एलएचएस लेता हूँ, एलएचएस में दिया है 1 + a² - b² 2ab - 2b, फिर है आपका 2ab 1 - a² + b² फिर है आपका 2a 2b - 2a 1 - a² - b² अब देखो मैं एक काम करता हूँ, 1 + a² + b² लाना है वहां, उसका होल क्यूब है तो उसको 3 बार हमें कॉमन करना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि R1 के प्लेस पर R1 प्लस में BR3, अगर मैं R3 में B से गुना कर दूं इसमें और यहाँ पे इसको जोड़ दूं तो यहाँ 2b² होगा, इसमें जुड़ेगा तो ये घट जाएगा तो 1 + a² + b² आ जाएगा, ये दिमाग लगाना। और R2 के जगह पर मैं लिखता हूँ R2 - ar3, अगर मैं R3 में इसमें देखो यहाँ पे a से गुना करूंगा तो 2ab हो जाएगा और इसमें से घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें देखो यहाँ पे अगर मैं करूंगा a से गुना तो -2a² और इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 + a² + b² आ जाएगा कि नहीं, तो यही हम लोग दिमाग लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें b से गुना करना है और इसमें जोड़ लेना है तो आपका आ जाएगा 1 + a² + b², यहाँ इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें b से गुना करोगे तो देखो क्या होगा, -2b और जोड़ लेना इसमें b से गुना करके, तो b से गुना करोगे तो b - a² b - b³, यही ना आएगा इसमें गुना करने से, यहाँ घटेगा -b - a² b - b³, -b कॉमन कर लो तो 1 + a² + b² तो इसे मैं लिख देता हूँ -b 1 + a² + b² आ गया ना यहाँ भी। चलिए अब देखो यहाँ पे इसमें a से गुना करके इसमें से घटा लेना तो 0, a से इसमें गुना करोगे और इसमें से घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 1 + a² + b² क्योंकि इसमें a से गुना करेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा और यहाँ देख रहे हो ना आप, देख लो यहाँ 1 - a² - b² घटाना है इसमें a से गुना करके तो -2a² देखो ये -, प्लस हो गया इसमें से घटेगा तो यही ना आएगा। चलिए यहाँ भी अब देखो 2a और घटा लेना है इसमें a से गुना करके तो इसमें a से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका a और चूंकि माइनस है तो इनका साइन बदलते जाएगा, फिर प्लस का a³ और प्लस का ab² इसमें से घटेगा तो a + a³ + ab² यहां से a कॉमन कर लेते हैं तो 1 + a² + b² यही ना आएगा, a 1 + a² + b² यही ना होगा। चलिए आपका है 2b - 2a 1 - a² - b² अब इसको बाहर ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट 1 + a² + b² फ्रॉम R1 एंड R2, R1 एंड R2 से बाहर निकाल लेते हैं 1 + a² + b² 1 0 - b 0 1 a 2 b - 2a और ये आपका 1 - a² - b² देखे ना, यहाँ से भी 1 + a² + b² निकल गया और यहाँ से भी 1 + a² + b² निकल गया। अब देखिए इसका विस्तार कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग एक काम करते हैं, किसको लेके कर दे, C1 कर दे, चलो C1 ही ले लेते हैं, तो अगले स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ देखो स्क्वायर होगा ना जी, 2 बार निकला है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ विस्तार कर रहे हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देते हैं, 1 लेंगे ढकेंगे या चारों बचेगा 1a - 2a 1 - a² - b² फिर ये 2b लेंगे, 0 वाले को तो छोड़ देंगे, यह कॉलम हटा 0 - b 1a। चलिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके ला देते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अंदर देखो ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो लिख भी सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 - a² - b² यही ना है। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2a² आ जाएगा, 2b यहाँ इंटू करो 0 + b। चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं, 1 +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आओ, यहाँ देखो ये घट जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है टू बी स्क्वायर, यहाँ आप थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका सेम वही वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो तो ये तीन बार हो जाएगा ना, यहाँ एक बार है यहाँ दो बार है, तो क्यूब कर देते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही ना मैं प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन।